डिफेंस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की मधुलिका रावत करना चाहती थी बड़ा बदलाव। मधुलिका रावत पर DWWA में सुधार करना चाहती थी, लेकिन ये भगवान को मंजूर नहीं था। तमिलनाडु में बुधवार को सेना के MI-70V5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, ब्रिगेडियर LS लिद्दर और 10 अन्य रक्षा कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के इस अड्डे पर। मधुलिका रावत DWWA की अध्यक्ष थी। SWWA ने कई वर्षों से सैनिकों की मदद की, युद्ध में हताहतों के पुनर्वास, विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल चलाने और सैनिकों के परिवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित अभूतपूर्व कार्य किए हैं। DWWA विधवाओं तो और बच्चों के राहत और पुनर्वास, परिवार के समर्थन, परामर्श कार्यक्रम और सेना के कर्मियों और उनके परिवारों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में भी योगदान देता है। मधुलिका रावत DWWA में बड़े सुधार के लिए कदम उठाने के लिए काम करना चालू कर दिया था। DWWA में सुधार के लिए मधुलिका रावत ने एक टीम भी गठित की थी। DWWA में इस समय काफी करप्शन है और मधुलिका रावत इसको खत्म करना चाहती थी। इस समय DWWA में जवानों की पत्नी के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आया जाता है और उन्हें जबरदस्ती नचाया जाता है और उन्हें मानसिक तनाव दिया जाता है। 2017 और 2018 में आए कई वीडियो ने इसका खुलासा किया था। मधुलिका रावत इसको खत्म करना चाहती थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।